हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य में होता है योग बटा पदों की संख्या। 5 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29 बटा योग कितने हो गए, पद कितने हो गए, 5। तो 29 और 26, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 10 28 का 28 28 28 का 8, हासिल की 2। 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 8 8 1 9, 98/5, 98/5 यह हो जाएगा 19.6। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार गलत पार्ट का उपयोग करके 40 किग्रा के स्थान पे 35 किग्रा चीनी तोलकर बेचता है। यदि वह चीनी का क्रय मूल्य पे बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ, तो कितने का कमाया लाभ, 5 केजी का। कितने पे, कितने बेचा, 35 केजी इंटू 100, 5 एक 5, 5 से 7 बार, तो ये जाएगा 100/7। 100 में 7 का भाग देंगे, 14.28%। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, उस संभव त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 × भुजा² = √3। तो √3 से √3 चला जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 4 a = 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, सरल कीजिए, 4 × 4 = 7/9 × 7 = 8/9 × 81 + 2 = 3/4। तो 9 चौक 36, 36 और 7 = 43, 43/9 × 9 = 7 63 और 8 = 8 = 9 × 9 = 81 + 2 = 4 + 3 = 7/4। दुनी 4 4 दुनी 8 8 8 और 3 11 11/4। तो 9 * 81 से 81 चला गया, 43 × 71, 43 को 71 से मल्टीप्लाई करने पर 30 53 + 11/4, 30 53 + 11/4, 11 का मान हो जाएगा 2.75, तो ये हो जाएगा 30 53 + 2.75, तो ये हो जाएगा 30 55.75। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कोष्टक −2/5 की घात −2 × −4/5 की घात 4, 5 की घात 4, तो ये हो जाएगा माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, −5/2 × 2, ये हो जाएगा −4/5 की घात 4, तो ये हो जाएगा −25/4 × 4 की घात 4, 256/5 की घात 4, 625। तो 25 से 625 जाएगा 25 बार, 4 से 256 जाएगा 64 बार, तो इसका मान हो जाएगा 64/25। आगे देखें स्टूडेंट छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित चार्ट एक घर द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने व्यय को दर्शाता है, उस घर द्वारा किए जाने वाला कुल व्यय 85,200 है, तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। कुल कितना है, 85,200। किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई, राशन पर कितनी, 36%, किराए पर 20%, 36 − 20 = 16%, 85,200/100 × 16, 20 से 20, 852 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 852 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,732 रुपया अधिक खर्च होगा। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन,
उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो समीकरण में है। 12.99 की जगह आ जाएगा 13, -3.98 की जगह आ जाएगा 4, +4 14.002 की जगह आ जाएगा 14, इंटू 3.99 की जगह आ जाएगा 4, +27.008 की जगह आ जाएगा 27, भाग 3.00 की जगह आ जाएगा 3, +35.99 की जगह आ जाएगा 36, भाग 5.99 की जगह आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 14, ये 13 -4 +14 चौका 56, +27 में 3 का भाग देंगे 9, +36 में 6 का भाग देंगे 6, तो ये हो जाएगा 56 और 9 और 6 15, 15 और 13, 13 दुना 26 27 28, 28 28 में से 4 चला गया 24, 56 +24 बराबर 80। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, सरल कीजिए अक्ष स्क्वायर +5x-12, अक्ष स्क्वायर +5x-12 -3 का कोष्टक अक्ष स्क्वायर -2x +9, तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर +5x-12 -3 अक्ष स्क्वायर +6x-27, तो -3 अक्ष स्क्वायर में से अक्ष स्क्वायर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 6 और 5 11 अक्ष -39। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 मीटर की दर से उसकी दीवारों और छत को पेंट करने में लागत, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 17 इंटू ऊंचाई कितनी है 21, तो जाएगी 2 इंटू 32 इंटू 21, 2 इंटू 32 इंटू 21 हो जाएगी 1344 मीटर। और छत, अब छत का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 17, 15 और 17 255, तो पूरी हो जाएगी 1344 प्लस 255, 5 4 9 9, 13 और 2 15, 1599 इंटू 40 बराबर हो जाएगी 63,960 लागत। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई एक धनराशि 3 वर्ष में 13,880 और 6 वर्ष में 20,770 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष में कितनी हो गई 20,070, 3 वर्ष में कितनी हो गई 13,380, 0, 17 में से 8 चला गया 9, इधर 10, 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, और ये हो जाएगा 6,690 बटा, राशि कितनी है 13,380 इंटू 100, तो ये चला जाएगा इससे 0 से 0, 13,565, 50%, 50%, 50%, 3 वर्ष 50%, 50% राशि बढ़ गई, तो ये हो जाएगी, मतलब 50% राशि पहले थी 50%, 150, तो ये हो जाएगी 13,380 बटा 150 इंटू 100, तो ये 50 से दो बार या 50 से तीन बार, तो 3 तो 12
तीन चौक 12, फिर तीन छिगु 18, 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, 6 दुनी 12 का 2 हासिल की 1, 4 दुनी 8 एक 9, 4 दुनी 8 8,920। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।